मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने जब से आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है तब से आम आदमी पार्टी में अलग तरीके की हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी चर्चा में आ गई है। बस मार्शल का मामला अब फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज जिस तरीके से बीजेपी नेता के पैर पकड़ते हुए नजर आए, उसके बाद कहीं ना कहीं ये मुद्दा और भी गर्माता हुआ नजर आया। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी पार्टी पर पूरी तरीके से हमलावर है और ये इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हैं और सौरभ भारद्वाज इतने नाटकबाजी करने को क्यों मजबूर हो गए जब खुद ही उन्होंने बस मार्शल पर रोक लगाई थी। अब इस तरीके का नाटक आखिर क्यों दिल्ली में किया जा रहा है? क्या दिल्ली की जनता में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जनता के लिए कितना करते हैं, उनके नेता बड़े नेता या बीजेपी के नेताओं के पैर पड़ने के लिए भी तैयार हैं? ऐसे में जनता को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जो उनके ऊपर इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है? कहीं ना कहीं आप ये वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा। जी हाँ, मनोज तिवारी ने इस पर एक बयान दिया है जिसको लेकर उन्होंने सारी तस्वीर साफ कर दी है। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं मनोज तिवारी। दोस्तों, आज दिल्ली में फिर एक नाटक हुआ। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, जिसकी दिल्ली में सरकार है और थोड़े बहुत दिनों से नहीं, लगभग 9 साल 9 महीना होने जा रहा है, उसने आज फिर से एक नाटक किया बस मार्शलों की नौकरी को लेकर के, जिनको हटाया ही है अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी चिट्ठी लिख करके। वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में चिट्ठी लिख के ऑर्डर करके, इंस्ट्रक्शन देके कि अब बस मार्शल अपनी नौकरी पे नहीं रहेंगे, ये नौकरी से हटाए जाते हैं, बड़ी संख्या है उनकी हमारे घर पे और सांसदों के घर पे, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बस मार्शल दर दर भटकने लगे। आज जब आम आदमी पार्टी को यह लगा कि ये तो बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई और बस मार्शल हम लोगों को सत्ता से हटा के रहेंगे, तो आज उन्होंने नाटक किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम की कुर्सी छोड़कर के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने का सिलसिला चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी मजबूरी में ही सही मुख्यमंत्री आवास छोड़ करके सांसद आवास में शिफ्ट हो गए। दिल्ली की जनता बहुत जल्दी इनको कहीं और शिफ्ट करेगी, लेकिन ऐसा सिद्ध हो गया है कि आम आदमी पार्टी काम करके नहीं, सिर्फ नाटक करके सत्ता में बने रहना चाहती है। तो देखा आपने किस तरीके से मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उसके बाद माना यह जा रहा है कि दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल तो कम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कर भी लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, चाहे दिल्ली हो या देश के अलग अलग राज्यों से भी, उसका सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट बढ़ना कहीं ना कहीं तय है। अरविंद केजरीवाल अपने तरीके से राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो उसमें सही है या गलत है या नौटंकी है किसी भी तरीके से, लेकिन जनता का विश्वास वही जो खो गया था फिर से वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम हैं वो भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्या रणनीति बनाती है या फिर ये बस मार्शल का जिस तरीके से पूरा मुद्दा निकल कर आया है इसका कितना फायदा अरविंद केजरीवाल को देखने को मिलेगा। आपको क्या कुछ लगता है इस मुद्दे को लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।